गणपति विसर्जन के दौरान चाय गिराने की बात पर शिवनाथ नदी में दो गुटों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत तो वहीं चार अन्य हुए घायल। दुर्ग के शिवनाथ नदी में बीती रात शनिवार को करीब रात 2 से 3 बजे के बीच गणेश प्रतिमा विसर्जन करने पहुंचे लोगों के बीच मारपीट की घटना हो गई। बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि शिवनाथ नदी में विसर्जन के लिए दुर्ग भिलाई की समितियां पहुंची थी। इस दौरान दो गुटों में आपसी विवाद हो गया, जिसमें चाकूबाजी के दौरान दुर्ग ग्रीन चौक निवासी राहुल साहू की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। वहीं मारने वाला गुट भिलाई क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले में मृतक के छोटे भाई ने बताया कि विसर्जन के समय चाय पीते खड़े हुए थे, उसी दौरान मृतक राहुल के हाथ से चाय छलक कर भिलाई के लड़के के कपड़े में गिर गई और विवाद वहीं से शुरू हो गया। साथ ही उन्होंने बताया कि वो 9 लोग थे, मारपीट करने लगे तो हम भागे, लेकिन राहुल पकड़ा गया और उन लोगों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद मृतक के परिजन रविवार की सुबह पुलगांव थाने पहुंचे और अपना आक्रोश जताया, साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। आपको बताना चाहेंगे कि मृतक के परिजन और ग्रीन चौक के लोग मामला दर्ज कराने दुर्ग पुलगांव थाना पहुंचे। कार्रवाई चल ही रही थी, इस दौरान परिजनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जितना भी व्हाइट शर्ट कपड़ा पहना था ना, उन लोगों ने मारना चालू किए। कारण अब क्या कैसे हुआ ये मालूम नहीं, बैठे थे आना आके पर मांस पकड़ा तो मांस में मारना ही चालू किए बराबर बराबर। उसके बाद जैसे अपन उधर आगे गया तो मालूम चला कि वो बच्चे लोग को ना चाकू मारा ऐसा करके, फिर सब भागने लगे इधर से टिड़ी बिड़ी। और जितने भी व्हाइट शर्ट कपड़ा दिख रहा था ना, उन लोग को सब दौड़ा दौड़ा मार रहे थे। उन लोग पुलिस वहाँ पे कोई था, बस एक दो जने सर से और जो लड़का अभी हुआ राहुल साहू, उसको जाके खुद बोला सर देखिए ऐसा ऐसा कर रहा करके, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया, फिर भगा। उसके बाद उन लोग चालू किए मारना पीटना। हुआ था अभी अपन चाय पी रहे थे, चाय ठेला के पास, वो लड़के लोग 8-9 लोग थे, उसके ऊपर मेरा भाई राहुल चाय हल्का सा पीछे देख रहा था तो हल्का सा चाय गिर गया उसके पैर में। उतने ही में हम लोग गाली गलौज देना शुरू कर दिए और मारना पीटना शुरू कर दिए। वहीं मेरा छोटा वाला भाई को भी मार दिए। कितने लोगों को मारे लगभग? बस 4 लोग को। हाँ भैया। तो कितने लोग थे? हम लोग 9 लोग थे। पहचानते हो? हाँ पहचानता हूँ ना। आगे हुआ हम लोग, मेरे को मारा मैं भगा, मेरा भाई को पकड़ लिया, मेरा भाई को ही सीधा सामान मार दिया भैया चाकू से। है कि न्यू गणेश समिति है जो ग्रीन चौक दुर्ग से कल विसर्जन के लिए निकली थी और मौसम बिगड़ने के कारण और कुछ कारण से लेट हो गई थी, तो उसके वजह से क्या हुआ, पटेल चौक के पास पुलिस की टीम आई और लेट होने के कारण डीजे को उन्होंने थाने में रखवा लिया और समय का अभाव के कारण हमने बातचीत, जैसे मुझे जानकारी मिली है उस हिसाब से गणपति जी को हमने चुनाव नदी भिजवा दिया और डीजे के लिए बातचीत किया और जो कार्रवाई हुई जैसे भी वहाँ से अपने डीजे को छुड़ाया। उसके बाद वहाँ से हमने फिर जब पूरी टीम जो थी, पूरी ग्रीन चौक की पूरी टीम जो थी, वो पूरी टीम डीजे के लिए लगी थी कि कैसे भी करके किसी गरीब का गुजारा मत रुके, क्योंकि सबके ऑर्डर लगे रहते हैं, तो वहाँ रुके थे सब। वहाँ रुकने के बाद जब पूरी टीम डीजे को छुड़वाई और उसके बाद जब वहाँ से रवाना हुई, तो उतने में भिलाई के कुछ मित्र समिति थे, समिति लोग आए हुए थे गणेश भगवान ठंडा करने के लिए, उन्होंने कुछ बच्चों को जो 21 साल के 19 साल के 15 साल के हैं उनके परिवार वालों को देख के अकेला जान के उनसे लड़ाई झगड़ा किए, तूतूमा में किए और उसके बाद उनको जान से मारने की पूरी कोशिश की और चाकू से गोद दिए, जिससे एक की हॉस्पिटल जाते समय उनकी देहांत हो गई, हत्या हो गई। उसके बाद जानकारी हमें ये मिली कि वहाँ 2 पुलिस वाले बस थे, इतने बड़े पूरे जिले के पूरे गणपति जी नदी में ठंडा होने आए हैं और उसके लिए सिर्फ 2 पुलिस प्रशासन, तो ये कहीं ना कहीं ये एक मामले को बढ़ावा मिल रहा है, उसके लिए शासन प्रशासन ध्यान दे। और आज पूरी हिंदू समाज आज यहाँ इकट्ठा हुई है और समय समय बढ़ते रहेगी संख्या, यहाँ शासन प्रशासन जल्दी जल्दी
मृत शरीर जो है हमारे भाई को न्याय दे और न्याय के साथ साथ उचित कार्रवाई करे और जो शासन द्वारा मुआवजा राशि है जैसे सबको देती आ रही है वो भी मिले, उसके लिए हम हिंदू समाज तैयार खड़े हैं। शनिवार की देर रात हुई मारपीट की घटना में चाकूबाजी में मृत हुए परिजनों ने थाने का घेराव किया तो वहीं दुर्ग पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 4 से 6 लोगों की पतासाजी में जुट गई है और उन्हें पकड़ने में कामयाबी हुई है। इस दौरान दुर्ग एडिशनल SP संजय ध्रुव ने प्रतिक्रिया दी है, जहाँ पर बीती रात करीब 1:30 बजे विसर्जन के दौरान विसर्जन से दूर स्थल पर जहाँ पर दो पार्टी वेट कर रहे थे अपने विसर्जन की पारी आने का और वहाँ पर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके फलस्वरूप राहुल साहू ग्रीन चौक निवासी दुर्ग को कुछ व्यक्तियों के द्वारा धारदार हथियार से मारपीट किया गया, जिसके फलस्वरूप वो घायल हो जाने पर पुलिस तत्काल पहुँची और उसको रेस्क्यू करके ले जाते हैं हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में करीब 4 बजे प्रातः मौत हो गई इलाज के दौरान। अभी इस पर से अभी परिजनों को समझाई देकर इसमें PM और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, अन्य संदेहों की भी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। जैसे ही सारे लोगों को राउंड अप किया जाता है आगे के वैधानिक कार्रवाई पृथक से किया जाएगा। विसर्जन के दौरान दुर्ग पुलिस की दुर्ग की जनता से अपील है कि अपने आसपास के लोगों को और अपने परिवार के लोगों को गणेश विसर्जन के दौरान नशे और आदि चीज़ों से दूर रहने और आध्यात्मिक तरीके से विसर्जन को किए जाने हेतु प्रेरित किया जाने की आवश्यकता है। हालांकि हम अपना काम बेहतर ढंग से प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु जब तक समाज का सहयोग ऐसे तरीके से हमको नहीं मिलेगा इस प्रकार की घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होता है। लेकिन समाज से हमारी अपील है कि विसर्जन के दौरान नियम कायदों का पालन करें, नशे से दूर रहें और आपसी सामंजस्य बनाए रखें। ग्रैंड ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।